श्री गणेशाय नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य का जो पाठ्यक्रम है वो अपलोड किया है, उस पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा है और परीक्षा की जो तिथि है उसके विषय में भी विद्यार्थियों के मन में शंका थी। कई विद्यार्थियों के फ़ोन भी आ रहे थे और मैसेज भी थे, क्या इतनी जल्दी परीक्षा हो जाएगी, अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी और इतनी जल्दी यदि परीक्षा होगी तो हमारी तैयारी कैसे संभव है। सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि पाठ्यक्रम को लेकर हमारे मन में एक सवाल था कि आरपीएससी पाठ्यक्रम कब डालेगी, कब अपलोड करेगी अपने साइट के ऊपर। उससे पहले हमारे मन में एक सवाल था कि आरपीएससी के पास वित्त विभाग की अनुशंसा भेजी जा चुकी है, आरपीएससी वैकेंसी कब निकालेगी। तो आरपीएससी ने वैकेंसी अपना जो एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया, जैसे आरपीएससी की वैकेंसी आई और फिर मन में ये शंका रही कि अब सिलेबस कब आएगा, पाठ्यक्रम कब डाला जाएगा। पाठ्यक्रम जैसे ही अपलोड हो गया अब मन में एक शंका है कि अब परीक्षा कब होगी। तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना काम करता जा रहा है और आपकी जो शंकाएं हैं वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी शंकाएं बढ़ रही है आपके मन में और मस्तिष्क में चिंताएं बढ़ती जा रही है। आरपीएससी ने जैसे एडवर्टाइजमेंट डाला और लिख दिया कि अक्टूबर में परीक्षाएं होगी, उस दिन से चिंता चालू हो गई। फिर 20-25 दिन गुजर गए, उसके 20-25 दिन निकल चुके हैं, तो उसके बाद आपके मन में एक सवाल उपस्थित हुआ कि अभी तो सिलेबस ही नहीं डाला है, अक्टूबर में परीक्षा नहीं होगी। तो आरपीएससी ने उस शंका का भी समाधान कर दिया, आज आपको सिलेबस भी दे दिया कि ये पाठ्यक्रम लो, अब आप परीक्षाएं दो। अब आपके मन में ये वापस प्रश्न उपस्थित हो गया कि अभी तो अक्टूबर में परीक्षा न मानकर हम तैयारी कर रहे थे, सब चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे थे, अब तो परीक्षाएं अक्टूबर में कह रखा है तो अक्टूबर में लास्ट तक वो करवा सकते हैं, तो अब तैयारी कैसे होगी, अब तो तैयारी हो ही नहीं सकती। आधे से ज्यादा विद्यार्थी तो यही सोचकर मैदान से हटने की सोच रहे हैं कि हमसे तो तैयारी नहीं होगी। एक बात आपको मैं बता देता हूं, चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, आवाज एक बार चेक कर लेना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना। आवाज के विषय में थोड़ा सा लिख देना, चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, वो संस्कृत के विद्यार्थी हो सकते हैं, वो ज्योग्राफी के हो सकते हैं, वो हिंदी के हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के लिए किसी भी विषय का कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। अब विद्यार्थी हैं आप तो सब भावी सहायक आचार्य हैं, तो भावी सहायक आचार्य जो भावी शब्द है वो आपके जीवन में अभी जो भावी शब्द है वो 3 माह में हट जाएगा। यदि हम 3 माह को अच्छे से समय का विभाजन करके दिन का रात का प्रातःकाल कितने बजे उठना है, कैसे पढ़ना है, पूरी अगर रणनीति आप 3 महीने की करते हो, आप तो ये सोचो कि हमारा 3 महीने में ही इस सहायक आचार्य परीक्षा से पीछा छूटा, 6 महीने लंबी जाएगी तो हमें 6 महीने तक पढ़ना पड़ेगा। आप तो जितना पढ़ना है उतना 3 महीने में ही पढ़ो, क्योंकि एक संस्कृत में पंक्ति है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और जिस दिन हम जागे उसी दिन सवेरा है, आज से तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने भी हमारे लिए पर्याप्त है। तैयारी करने वाले के लिए दिन मायने नहीं रखता, जितने दिन पढ़ रहा है उतने दिन वो मन से पढ़े, उसके मस्तिष्क से एक बात हमेशा के लिए निकल जाए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पास नहीं होऊंगा। ये जो बात है ना,
ये यदि उसके मस्तिष्क से निकल जाएगी, उसको तो केवल रणनीति से पढ़ना है कि मुझे आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र तीनों का जो पाठ्यक्रम डाल रखा है उसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। अब उस 3 महीने में उस पाठ्यक्रम को एक बार आप कैसे पढ़ेंगे, और एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप कैसे रिवीजन करेंगे, और एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम के जितने भी अब तक के प्रश्न पत्र आए हैं, प्रश्न आए हैं, प्रश्न पत्र जो भी हुए हैं, 16 का हुआ हो, 21 का हुआ हो, 2013 का सेट हुआ हो, जो भी प्रश्न है, पुराने नेट के पेपर हैं, उनके जो ओल्ड प्रश्न, ओल्ड पेपरों में जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का सभी प्रश्नों को मैं सोल्व करूंगा, सभी प्रश्नों को हल करूंगा। ये आपके मन में विचार होना चाहिए, केवल 3 ही बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि मेरे लिए 3 महीने पर्याप्त है, 3 महीने में संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ूंगा, एक बार मैं उसका रिविजन करूंगा, पढ़ने के बाद रोज उसका रिवीजन करता रहूंगा, अभ्यास रोज करूंगा। ये चीजें आपकी चलती रहेगी तो 3 महीने कम नहीं है। अब देखो सबसे पहले बात है, ये तो हुई आपकी कि आपको तैयारी करनी है। अब 4 सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, चारों सवालों के मैं आपको जवाब दे देता हूं। जैसे पाठ्यक्रम की यदि हम चर्चा करें, सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में, तो पाठ्यक्रम संस्कृत के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो संस्कृत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें वैदिक साहित्य है, व्याकरण है और दर्शन है, वैदिक साहित्य, दर्शन और व्याकरण है, तीनों तीनों इकाई, वैदिक साहित्य, दर्शन और व्याकरण तीनों इकाइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम रखा है, तो प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखो द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र और आपका गद्य, पद्य, नाटक और चंपू, और राजस्थान, राजस्थानीय साहित्य, राजस्थानीय कवि या राजस्थानीय संस्कृत मनीषी। इस द्वितीय प्रश्न पत्र में भी जो 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम है, तो प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। जो हमने पाठ्यक्रम ऐप के ऊपर पढ़ा के अपलोड कर दिया, संस्कृत सोपानम ऐप के ऊपर पाठ्यक्रम पूरा पढ़ा के अपलोड कर रखा है, वही पाठ्यक्रम है, एक लाइन भी नहीं बदली है, एक अक्षर भी नहीं बदला है, संपूर्ण पाठ्यक्रम वही है। अब बात करें तृतीय प्रश्न पत्र की, तो तृतीय प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो तृतीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में जो राजस्थान के प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं, जिसमें प्रमुख समसामयिक घटनाएं व मुद्दे, प्रमुख व्यक्ति एवं स्थान, प्रमुख खेल और खिलाड़ी, ये वाला जो बिंदु है वो हटा दिया है, लेकिन ये कोई विशेष मायने नहीं रखता। आप करंट यदि पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा में पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें लगभग लगभग आई जाती है, तो विशेष रूप से जैसे समसामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, जो करंट के चीजें हैं, लेकिन करंट की चीजें आपके आर्थिक समीक्षा में है तो वो कोई नई चीजें नहीं है। इनका हटना का मतलब कोई बड़ी बात नहीं हटना है, ये तो आरपीएससी ने सोच समझ कर हटाया कि ये चीजें हमने एक्स्ट्रा लगा रखी है। समसामयिक घटनाएं आप आर्थिक समीक्षा में पढ़ते हो, खेल वगैरह भी लगभग उसी में आई जाते हैं, बजट बजट का पढ़ते हैं तो, और जो व्यक्ति और स्थान है वो भी उसमें आ जाते हैं, प्रमुख पुरस्कार हैं, कौन से व्यक्ति कौन सा स्थान से संबंधित पुरस्कार वगैरह है वो सब आ जाते हैं, वो वैसे भी आ जाते हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी इनको, कि वो उसी में पढ़ लेते थे, इसलिए दो दो जगह बिंदु लगे हुए थे, इसलिए इसको हटा दिया। इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फिर भी करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। राजस्थान की जो जैसे कृषि टॉपिक लग रहा है तो कृषि की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान का बुनियादी ढांचा है, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह है, आर्थिक आर्थिक रूप से सामाजिक योजनाएं हैं, तो मुख्य रूप से जो राजस्थान की जो व्यावसायिक वितरण, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्रमुख सकल घरेलू उत्पाद इत्यादि हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ रहे हो तो वर्तमान में राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री क्या नाम है आपका, जो मुख्य सचिव कौन है, तो वो तो आएगा ही, मुख्य सचिव के बारे में पढ़ रहे हो तो वर्तमान में कौन है, पहले कौन कौन से मुख्य सचिव रहे हैं, वो सब चीजें आनी ही है, तो ये इसके हटने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो ये मान के चलो प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत में तो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तृतीय प्रश्न पत्र भी वही है, कोई विशेष उसमें
वो बिंदु है उनको तो आपको वैसे भी पढ़ना है, वो जो हटाए हैं ना समसामयिक वाली, वो उससे तो प्रश्न आने ही है, तो वैसे उनकी नॉलेज तो आपको वैसे भी रखनी है। तो तीनों प्रश्न पत्र वही है जो आप तैयारी कर रहे हो, तो पाठ्यक्रम में विशेष कोई बदलाव नहीं है। प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र में तो पत्र में तो और तृतीय पत्र पत्र तृतीय प्रश्न पत्र में जो है वो मैंने आपको बता दिया। परीक्षा कब होगी? परीक्षा आरपीएससी ने तो कहा है कि आपकी अक्टूबर में होगी, अक्टूबर में। अब अक्टूबर में होने की कितनी संभावनाएं हैं? अक्टूबर में परीक्षा होने की 95% संभावनाएं हैं, 95% अक्टूबर में होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान सरकार ये जो परीक्षा है इसको 95% संभावना है कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी। यदि अक्टूबर में परीक्षा होती है तो फिर आपके सामने एक समस्या, आपके मस्तिष्क में एक चीज उपस्थित होती है, तो अब तैयारी कैसे करें? पाठ्यक्रम से संबंधित बात हो गई, परीक्षा कब होगी? 95% संभावना है कि परीक्षा अक्टूबर में होगी, तो तैयारी अक्टूबर को ही मानकर करें कि हमारी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होगी, तैयारी हम इसी आधार पर करें। तो अब करें, तो अब तैयारी कैसे करें? अक्टूबर में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी कैसे करें? और यदि तैयारी कर भी लें तो क्या 3 माह में तैयारी संभव है? पहली बात तो क्या अब तैयारी कैसे करें? और मान लो चलो तैयारी करने भी लग गए तो अब क्या 3 माह में तैयारी संभव है? तो दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दे देता हूं, जो दोनों प्रश्न है उनके जवाब दे देता हूं। देखो, क्या 3 माह में तैयारी संभव है? इसका उत्तर है, इसका ये उत्तर हो गया आपका, इसका आंसर है हाँ, तैयारी संभव है। हाँ, आप पहले तो क्या अब तैयारी कैसे करें और क्या 3 माह में तैयारी संभव है, तो इसका उत्तर है हाँ, आप तैयारी संभव है और आप तैयारी करें। कैसे करें बताता हूं। देखो, आपके प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, 3 प्रश्न पत्र चल रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में कितनी इकाई है? प्रथम प्रश्न पत्र में 3 इकाई है, प्रथम प्रश्न पत्र में 3 इकाई है। पहली है वैदिक साहित्य, दूसरी है दर्शन और तीसरी है व्याकरण और भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा विज्ञान। अब देखो, वैदिक साहित्य की जो इकाई है, इस इकाई की आप तैयारी कैसे करेंगे? वैदिक साहित्य की इकाई की तैयारी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य की मैं पांच, कल से 5 कक्षाएं ले रहा हूं, 5 या 6 कक्षाएं होगी, उसमें आपके 50 प्रश्न आ जाएंगे। तो वैदिक साहित्य की तो आप तैयारी छोड़ो, वैदिक साहित्य की तो मैंने ऐप के ऊपर अपलोड कर रखी क्लासें, जो क्लास आप देख रहे हो वो तो देखते ही रहो। और मैं 5 कक्षा पढ़ाने वाला हूँ वैदिक साहित्य की, 5 क्लास लूंगा 3-3 घंटे की, है ना? तो 5 से 15, 15 घंटे में 50 प्रश्न का वैदिक साहित्य करवा दूंगा, और उस क्लास में जो बोलूंगा उसी में से प्रश्न आएंगे। कोई भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वैदिक साहित्य की कक्षा में 5 दिन हम 3-3 घंटे कक्षा लेंगे, उस 5 दिन की कक्षा में 50 प्रश्न आएंगे वैदिक साहित्य के, 50 के 50 प्रश्न सही होंगे, चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी बात, दर्शन की जो कक्षा है, दर्शन की हम जो कक्षा लेंगे, रिवीजन, ओरिजिनल दर्शन पढ़ा चुके हैं हम मूल, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मूल नहीं पढ़ना चाहता है तो फिर रिवीजन के ऊपर आ सकता है। दर्शन की हम 7 दिन में दर्शन का पूरा रिवीजन करवा देंगे। 7 दिन में जब रिवीजन हो जाएगा दर्शन का, तो आपका 50 प्रश्न दर्शन के रिवीजन में से हो जाएंगे। 5 दिन में वैदिक साहित्य हो जाएगा, 7 दिन में आपका दर्शन हो जाएगा। और जो व्याकरण और भाषा विज्ञान है, इस व्याकरण और भाषा विज्ञान की प्रतिदिन आपको 1 कक्षा देखनी है। रोज आप सिलेबस जो जो पाठ्यक्रम में चल रहा है ऐप के ऊपर पढ़ाकर अपलोड कर रखा है, उसकी रोज आपको 1 कक्षा देखनी है। तो आपका जो वैदिक साहित्य और दर्शन है वो 5 और 7 दिन में मैं करवा दूंगा, 12-13 दिन में आपका ये कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, तो प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। रोज आप व्याकरण और भाषा विज्ञान की कक्षाएं देखो, व्याकरण भाषा विज्ञान कक्षाएं देखो, दर्शन की कक्षा देख रहे हो तो दर्शन की कक्षा भी देख लो। बाकी रिवीजन में 5 और 7 दिन में मैं आपका वैदिक साहित्य और दर्शन का रिवीजन करा दूंगा, व्याकरण और भाषा विज्ञान का सबसे लास्ट में कराएंगे। तो ये तो आपका हो गया प्रथम प्रश्न पत्र वाला, वैदिक साहित्य 5 दिन में, दर्शन का रिवीजन 7 दिन में, ओरिजिनल बुक से दर्शन का रिवीजन, लेकिन संस्कृत विषय है तो उसमें ओरिजिनल बुक की मूल पंक्तियां याद होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनल किताबों की जो मूल पंक्तियां हैं वो विशेष रूप से आप याद करें। आप नेट की तैयारी करके आए हो जो, तो आपने मूल रूप से मूल ग्रंथ तो पढ़े ही हैं, और संस्कृत सोपानम में जो विद्यार्थी उनको तो हम मूल ग्रंथ पढ़ाते ही हैं, तो मूल जो परिभाषा है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे दर्शन की बात करें तो चार्वाक दर्शन है, तो सामान्य है उस वैसे क्या नाम है, सर्वदर्शन संग्रह से चार्वाक दर्शन का सामान्य परिचय इत्यादि आता है। फिर जैन और बौद्ध मत है, योग सूत्र है, पातंजलि योग सूत्र, तो जो मूल बातें हैं वो भी आपको पढ़नी है। जो यानी कक्षा तो आप प्रतिदिन जैसे जैसे सीक्वेंस में ले रहे हो वैसे लेते ही रहो, 3-3 घंटे ये आपको रिवीजन भी देखना है, तो रिवीजन में आपके प्रश्नों का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, व्याख्यात्मक रूप से हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, वो आपके मस्तिष्क में ऐसे तैरने लग जाएंगे। और रोज जो कक्षाएं ले रहे हो वो तो लेते ही रहना है, रिवीजन की कक्षाएं भी आपको लेनी है। द्वितीय प्रश्न पत्र, तो आपका वैदिक साहित्य वाला 5 दिन में रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल एक बार वैदिक साहित्य को पढ़ लो, दर्शन को ओरिजिनल पढ़ लो, तब रिवीजन काम आएगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन आपके लिए तब काम आएगा, डायरेक्ट आप रिवीजन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और व्याकरण और भाषा विज्ञान को भी एक बार पढ़ लो, एक बार तो आप अपनी कक्षाओं की स्पीड बढ़ा के 2 पे कर लो, स्पीड बढ़ा के पूरी कक्षाओं को देख लो। तो आप वैदिक साहित्य है वो अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में वैदिक साहित्य देख लेंगे, 6 दिन में दर्शन देख लेंगे, और 10-1 दिन में आप व्याकरण देख लेंगे, तो 1 महीने में पूरे फर्स्ट इकाई को आराम से आप पूरा एक बार डिटेल से देख सकते हो। तो आपके 150 प्रश्नों का जो मैटर है वो एक 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 तरफ चला जाएगा पूरा, कि 150 प्रश्न तो चलो हमारे ये हुए। द्वितीय प्रश्न की, द्वितीय प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में देखो, तृतीय प्रश्न पत्र का फिर देखेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र का देखो, द्वितीय प्रश्न पत्र में एक चीज है आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में पहला है काव्य प्रकाश, मैं मेरे हिसाब से बिंदु बता रहा हूं, जो आप सिलेबस का सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, पहला बिंदु है जैसे काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश में से 25 प्रश्न आएंगे, 22 से 25 प्रश्न। तो काव्य प्रकाश की 10 कक्षाएं हैं, पूरी 10 कक्षाएं देख लो, 25 में से 1 प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, पूरे 25 के 25 उस 10 कक्षाओं में से आएंगे, दो दो ढाई ढाई घंटे की 10 कक्षाएं हैं वो देख लो, 25 के 25 प्रश्न काव्य प्रकाश ओरिजिनल। जब तक कक्षाएं नहीं देखोगे कुछ नहीं होने वाला है, मूल जो क्लासे पढ़ा रखी उनको आपको देखना ही है। काव्य प्रकाश 25 प्रश्न आएंगे ये देखो। दूसरा आपका साहित्य दर्पण, साहित्य और आपको याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं देखने के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ, याद भी आपको करना है, कंठस्थीकरण पर जोर देना है। साहित्य दर्पण के लगभग 10 प्रश्न आएंगे आपके, 7-8 है लेकिन अपन 10 मान के चल रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे किसी में 20 भी हो सकते हैं, तो 10 प्रश्न आएंगे, और इसकी 5 या 6 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं मूल रूप से, 5ों कक्षाएं आप देख लीजिए, आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे, बाहर एक लाइन भी बाहर नहीं आएगी साहित्य दर्पण की, 10 प्रश्न या 7-8 या 10 आएंगे उसमें से, इधर 22 से 25 के बीच में होंगे शायद 10 है क्या, तो साहित्य दर्पण की भी लगभग 10 कक्षाएं हैं, वो भी आप कंटिन्यू देख लो, और 10 कक्षाएं ही क्या है काव्य प्रकाश की, ठीक है। तो 10 ये है और 10 ये है। और उसके बाद में तीसरा आपका 10 रूपक है, तो 10 रूपक है, 10 रूपक की कितनी कक्षाएं हैं, 10 रूपक की आपके प्रश्न आएंगे 5 या 6, 5 या 6 प्रश्न आएंगे, और इसकी कक्षाएं कितनी हैं, 5 कक्षाएं हैं, तो 5 कक्षाएं इसकी देख लो, 5-6 प्रश्न एक लाइन भी बाहर नहीं आएगी, पूरे 5ों के 5 5-6 प्रश्न बोल रखे हैं, ये आएगा ये आएगा, तो देख लो रात दिन लगाकर देख लो। और फिर है आपका ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योग चल रहा है, और इसकी शायद 3 या 4 कक्षाएं होनी चाहिए, 3 या 4 इसकी कक्षाएं हैं, और इसमें से 5 प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न आते हैं, तो काव्य शास्त्र वाले पोर्शन में से लगभग 50 प्रश्न के समथिंग काव्य शास्त्र के पोर्शन में से आएंगे। अब देखो काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, 10 रूपक, ध्वन्यालोक, ये आपके सिलेक्शन करवाने के सबसे बड़े बिंदु है। वैदिक साहित्य आप कर दोगे, दर्शन भी कर दोगे, व्याकरण भाषा विज्ञान भी कर दोगे, लेकिन काव्य शास्त्र वाले पोर्शन में काव्य प्रकाश,
दस रूपक, नाट्य शास्त्र, क्या नाम है, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, दस रूपक और ध्वन्यालोक, ठीक है, और नाट्य शास्त्र, ठीक है। अब देखो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के तीन अध्याय चल रहे हैं, नाट्य शास्त्र के तीन अध्याय चल रहे हैं, तीनों अध्यायों को पढ़ा रखा है, नाट्य शास्त्र का पहला, दूसरा और छठा, पहला, दूसरा और छठा, सातवां तो मनुस्मृति का चल रहा है, पहला सात कक्षाएं हैं, ओके, पहला दूसरा छठा अध्याय तो चल रहा है इसका, इसमें सात कक्षाएं हैं आपका, पहला दूसरा छठा अध्याय की सात कक्षाएं देख लो, एक लाइन भी बाहर नहीं आएगी, ओरिजिनल बातें बता रखी है एक एक प्रश्न पत्र की, तो इस पोर्शन को अच्छे से कर लो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कक्षाएं तो ओरिजिनल देखनी है, आप चाहें कि कोई शॉर्ट दवाई दे दें, दवाई तो नहीं है, कक्षाएं तो आपको देखनी है, कैसे देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कक्षाएं हैं, कितने बजे से कितने बजे क्या देखना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो नाट्य शास्त्र वाला पोर्शन हो गया, अब देखो काव्य शास्त्र।